नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी हेवन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 19 द्वारका में आज देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व स्कूल के चेयरमैन आदरणीय श्री बी एन निगम जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर गौरव निगम जी, डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया माथुर जी और प्रिंसिपल श्रीमती सीमा जय सिंह जी ने स्कूल की संस्थापिका स्वर्गीय श्रीमती सुषमा निगम जी के चित्र पर पुष्पांजलि की और उन्हें याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। इस दौरान पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी और उनके साथ द्वारका सेक्टर 23 के थाना अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार जी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने मार्च पास्ट किया और जिसकी सलामी स्कूल के चेयरमैन बी एन निगम जी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी और SHO साहब ने ली। इस अवसर पर स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों ने देशभक्ति से ओत प्रोत एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही साथ अपने अतिथियों पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी का, पालम की विधायिका सुश्री भावना गोड़ जी, ये सभी अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली है। इसके पीछे कई जो जवान हैं, जो कई ऐसे शूरवीरों ने अपना बलिदान देकर इस हमें ये आज़ादी दिलवाई है, इसलिए इस आज़ादी को बरकरार रखें और देश का एक जिम्मेदार और बेहतरीन नागरिक बनकर दिखाएं। साथ ही साथ गुब्बारों को छोड़कर हवा में इस उत्सव को यह दिखाया गया कि सब आजाद हैं और आजादी के माहौल में ही हम खुश मिजाजी से कैसे रहें, इस चीज को स्कूल मैनेजमेंट ने और बच्चों ने बखूबी दिखाई। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रोग्राम में। बच्चों में भारतीय के प्रति, भारतीयता के प्रति और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के प्रति क्या है, उससे शिक्षा से बोध कराते हैं, प्रेरणा देते हैं बच्चों में, इसकी भारतीय संस्कृति सबका अपने शहीद के बारे में जानकारी देती है। इसलिए स्कूल के तमाम टीचर और निगम साहब, गौरव जी और तमाम इनके स्टाफ को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और उन स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में सबका प्रणाम करता हूँ जिनके शहादत पर आज हम लोग स्वतंत्र भारत में विकसित कर रहे हैं, उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद। साइबर जो ये द्वारा रखा गया है और मॉडर्न स्कूल का बच्चे उसमें 1,250 बच्चे भाग ले रहे हैं, अपने आप में भाषाई मॉडर्न स्कूल की स्थापना जिस पर्पज के लिए हुआ, आज बच्चों उन्नत की तरफ रहा है, पढ़ाई लिखाई में सारे चीज में बहुत उन्नति कर रहा है, इसके लिए इस स्कूल के सब संस्थापक निगम साहब निगम तो दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। इनके आने वाले पीढ़ी है, ये भी बड़ी मेहनत से अपने स्कूल को ऊँचाइया ले जा रहे हैं, इसलिए बधाई। जय हिंद साथियों, मैं आपकी विधायक भावना गौर पालम से आज मैं मौजूद हूँ। मेरे अपने बड़े भाई जिनको मैं बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत देती हूँ और साथ में वो मुझे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, आज मैं अपने ही स्कूल मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के अंदर उपस्थित हूँ और बच्चे और पूरा स्कूल का स्टाफ हम सब मिल करके, और हमारा स्कूल ही नहीं अभी तो पूरे भारत वर्ष आज स्वतंत्रता का 77वां वर्षगांठ मना रहा है। मैं आप सभी को, हम हर्ष के इस चैनल के माध्यम से आपको सबको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ साथ ही आपसे निवेदन करती हूँ, आज का दिन है, हम सब किन लोगों की वजह से स्वतंत्र हुए, गुलामी की बेड़ियों को हमने पार किया, आज उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। आज मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल अपने स्कूल में अपने बच्चों के माध्यम से आज हम इस भारतीय पर्व को
बहुत उल्लास के साथ में मना रहे हैं और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि चाहे वो हमारे भारतीय पर्व हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के छोटे मोटे उत्सव हो, हमारा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, डॉक्टर निगम, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ का पूरा स्टाफ और बच्चे सब मिलकर के अपने भारतीय पर्वों को बहुत ही खुशहाल तरीके से मनाते हैं और पूरे समाज को एक ही मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि बिना त्योहारों के, बिना भारतीय पर्वों के हमारा समाज अपने आप में पूर्णतः नीरस है। इस नीरसता को तोड़ते हुए तरह तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के द्वारा स्टेज के ऊपर किए जाते हैं और हम जैसे मामूली लोग जो समाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें भी बढ़ चढ़ करके सम्मान दिया जाता है और अपने स्कूल के इस परिवार का एक हिस्सा मुझे समझ करके यहाँ शामिल किया जाता है। मैं धन्यवाद दूंगी अपने भाई डॉक्टर निगम को और आज के दिन मैं जब भी इस स्कूल में आती हूँ, मैं अपनी दीदी को, अपनी भाभी को मैं बहुत मिस करती हूँ। ये स्कूल आज वो जहाँ भी है, उनकी हाथ से रखी हुई नींव इस स्कूल की है और स्कूल और स्कूल के बच्चे वो जहाँ भी है अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दे रही हैं और वो हमेशा हमारे सदैव रहेंगी, हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे स्कूल में वो आज भी विराजमान है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आज के दिन और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया गया है मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में। इसमें पेट्रियोटिक थीम के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था। इसमें 3 बच्चों को दिल्ली पुलिस और मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। ये दिल्ली पुलिस और एक स्टूडेंट के बीच में प्रोग्राम रखा जा रहा है जिसमें कि आपस में पुलिस का और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बढ़े, जिसमें स्टूडेंट्स जो पुलिस के साथ भागीदारी करते हुए क्राइम को रोकथाम में, क्राइम को बताने में, बढ़ाने में, कम करने में सब में सहयोग देंगे। और एक इसी तरह से एक दिल्ली पुलिस का एक प्रोग्राम भी है जिसे पुलिस कैडेट प्रोग्राम कहा गया है, उसके चलते भी यहाँ पे इसी स्कीम को लागू किया जाएगा। मैं चेयरमैन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल भोलानाथ निगम द्वारका से बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। और आज मेरे स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के लिए जो प्रोग्राम होते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम दिए, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि हमारे वीरों ने किस तरीके से अपना जीवन त्याग कर इसको स्वतंत्रता का दिन लाए हैं और हम उस जीवन के, उनके जीवन के द्वारा ये शुभ दिन मना रहे हैं। आज 77वां दिन जिन्होंने अपना त्याग दिया जीवन, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। प्रशंसनीय रही है कि हम अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाकर हमेशा आज़ादी के आगे रहे और उन्होंने हमें दिखाया कि हमें कभी लड़ना नहीं, कभी झगड़ना नहीं, हमें एकत्र होके आगे बढ़ना है, जिससे कि वर्ल्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान का नंबर एक स्थान रहे हमेशा के लिए। और आपके स्कूल के अंदर ये स्थान बहुत अच्छा रहा है और हमारे स्कूल के बच्चों की बहुत प्रशंसनीय के है हमारे यहाँ पे, तो हमारे अध्यापक का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सब दिखाते हुए कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी उन्होंने दिखा दिया, सुना दिया कि आपके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हम पेपर में जो पढ़ते हैं उसका भी जवाब नहीं है। बहुत प्रशंसनीय है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपने स्कूल को उठाते रहिए, आगे आने वाले जीवन में ये बच्चे जो हैं भारत के रतन बनेंगे। नमस्कार, आप सबको 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि इस बारी हम कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा, आशा है कि आप भी अपने घर में एक तिरंगा लगाएंगे और उसे पूरे सम्मान के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिस तरह हमने आज़ादी पाई हो, हमेशा आपकी जिंदगी भी आज़ाद रहे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वंस युद्ध के कारण मेरे पास आसमान छूरी है, ये अंग्रेज हमारी खून पसीने की मेहनत खा लेते हैं। हाँ, अब बहुत ही अंग्रेज होगा, उन्हें भारत छोड़ना होगा। किसी से कोई समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। एक मेरा एक ही रोल है जो कि है आज़ाद भारत का। एक मंच है छोटा, मैं आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ। करो या मरो, अर्थात या तो आप अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर दिखाएं, नहीं तो आप उस
रोहतांग में अपनी प्राण त्याग दी। हमारा नारा होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
Thank you.